अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हो गई मम्मी रस्में? हाय हाय, ये कहां से आ गया? मैं बताओ तुम्हारा नाम क्या रखे मम्मी? लगता है बदलना पड़ेगा। हाँ, चंडाई तो तुम्हारे काम नहीं आई, तो बता दो चंडू देवी रख दे। ये हमारी तरफ से सगुन आपके लिए। थैंक यू। धन्यवाद। वैसे शगुन के लिए तो मैं भी कुछ लाया था आपकी बेटी के लिए। ओ, तुम्हारे लिए ही है। खोल कर तो देखो। वो हमारे पास फोन नहीं है ना, इसीलिए। व्हाट? आज के जमाने में तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? ओके, मैं दिला दूंगा। ये हमारे लिए? हाँ, तो और किसके लिए? पसंद आया? बोले बाबा की जय। अच्छी, बहुत ज्यादा। लेकिन हमें तो स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता। जिन्होंने दिया है वो चलाना भी सिखा देंगे, क्यों जीजा जी? हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। यू आर वेलकम ऑलवेज। लेट हो रहा है मम्मी, अब चले? हम तो बहुत खुश हुए ये जानकर कि तुम अपने होने वाले मून पे जा रही हो। हम तो बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अर्णव जी को वहां मुंबई में नौकरी मिल जाए, फिर तुम दोनों अपना घर वहीं बसा ले। चले मम्मी? हाँ चलो, हम कहाँ रोके? हाँ चलो बहुरिया, चलो। अरे ये क्या है, इतनी सारी फरमाइश? अरे यहाँ पे क्या हलवाई बैठे हैं? अबे छोड़ो ना दीदी, कहे कि वो हमारी पल्लों को खुश रखे हुए है ना, तो उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वो कम है, कर लेते हैं। बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वैसे तुम इतनी सारी साड़ियां लेके क्यों चल रही हो? ये सब वहां पे काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि तुम वहां पे टॉप और जीन्स पहनने वाली हो। जीन्स टॉप? लेकिन हमने आज तक नहीं पहनी। हाँ तो अब पहनोगी? और सिर्फ यही नहीं, हम ऐसी बहुत सी चीजें करने वाले हैं वहां पे जो हमने आज तक नहीं किया। यही तो अकेले रहने का मजा है। 15 दिन के लिए सिर्फ तुम और मैं, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला।
वो बाहर फोन पे बात कर रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप आइए ना। क्या बात है भाभी, आपने तो आते ही हमारे भाई लड्डू को लड्डू बना लिया। जब देखो जब चारों तरफ आप ही रहे। अब कोई कोई काम था मम्मी जी? हाँ बेटिया, वो दहेज का संदूक लाई हो ना तुम मायके से, तो जरा दिखाए दो। वो सब आने वाले हैं, देखना चाहेंगे कि हमारी बहुरिया का लेकर आई है और का नहीं। जी। अरे वाह। हाँ ऐ जिलमिल, चलो इसमें से एक एक साड़ी चुन लो तुम्हारे और रिमझिम के लिए, वो ननंद की नेक के। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। अच्छा तुम क्या पहन रही हो बहुरिया? हम अरे ये अरे लो, अब तो आपने इस पे हाथ रख दिया तो अब हम क्या करें, पसंद आ रहा था। झिलमिल दीदी, आपको ये साड़ी पसंद है ना, तो आप ये रख लीजिए, हम कोई दूसरी पहन लेंगे। थैंक यू। ये रिमझिम के लिए ना है मम्मी, देख तो सही कितना फबेगा ना रिमझिम पे ये। नहीं ए बहुरिया, ये साड़ी तुम पहन लेना, तुम पे ज्यादा फबेगी, ठीक है? हाय मम्मी, ये जल्दी का बुत्ता है ना? ए छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है, ये बहुरिया का है। तो हम कब कह रहे कि हमारा अधिकार है? नहीं मेरा मतलब है कि हम तो ये कह रहे थे कि अब भाभी तो चली मुंबई, तो क्या है ना कि इतना सारा सामान और गहना लेकर जाना रिक्स है। हम तो कह रहे हैं कि तुम तो अपनी अमानत समझ कर ना इसको अपने लॉकर में रख लो, सेफ रहेंगे। हाँ रिक्स तो है लेकिन हमारी बहुरिया है ना, ये सब संभालेगी, है कि नहीं? मम्मी जी आप अपने ही लॉकर में रख लीजिए, एक ही तो बात है ना। वो सब बाद में देखेंगे, चलो अभी उठो, मुंह दिखाई के लिए तुमका तैयार होना है कि नहीं। हाँ सारी औरतें आती होंगी। सुनो बो, ये सारे गहने तुमका पहनने हैं, कहे कि हमारी बहुरिया जो है एकदम ललन टॉप फर्स्ट क्लास लगनी चाहिए। हाँ क्या है मम्मी, कहाँ मार रही हो अब? काहे लाल टपक रही थी उनके गहने देख के, कहाँ चाहती हूँ वो सबको छोड़ छाड़ के मुंबई चली जाए गुस्से में। चिर करके गुस्से में? अरे ऐसा कैसे, वो तो वैसे भी जा रही है। कहे ना कि तुम्हारी योजना तो कोई है नहीं उसे रोकने के लिए। ये फुकट पे बतौड़े पहले जा रही हो। अच्छा जरा तीन तक तो गिनो। ए, मतलब जो हम कह रहे हो करो ना, गिनती आती है ना, तीन तक गिनो। मम्मी हाँ, एक दो तीन, ती रही हमारी योजना। वैसे तो सारा जौनपुर जाने है कि बबली देवी अपने हिसाब की कितनी पक्की है, चाहे वो लेन हो चाहे देन हो, जब तक पूरा नहीं करती तब तक ऊके जिगर को चैन ही नहीं पड़ता। शादी के समय आपकी दक्षिणा रह गई थी पंडित जी, ये बात से बुलाए हैं हम आपको। जी धन्यवाद। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है मम्मी, हमें जरा बताओगी? बंद रखो, आंखें खुली रखो और देखो का का होता है। चाय पीजिएगा जी। ए बहुरिया, ए बिटिया, तनिक पंडित जी के लिए बढ़िया चाय तो बना के लाओ। खुश रहो, हम वो सामान लेकर आते हैं दक्षिणा का। हाँ Oh!
हमका बचा लिया बहू रानी। मम्मी जी आइए। अरे मोरी आप ठीक है? अरे मोरी है बिटिया, अगर तुम नहीं होती हम सीधा सीढ़ियों से गिर के स्वर्ग से डर जाते। मम्मी क्या हुआ? मैंने आपकी आवाज सुनी। बेटा बहुत बड़ा कांड होने से बच गए हम। बहू यहाँ नहीं होती ना तो हम सीढ़ियों से ऐसे गिरते कि हम भी प्राण पखेरु हो जाते। यूं तो आपकी बहू भाग्यवान है किंतु आपकी बहू सास के लिए बड़ी ही भाग्यशाली है। ये बहू की कुंडलियां तो होंगी ना? हाँ। तो ले आइए देख लेते हैं। अभी लाते हैं हम। पंडित जी सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं मतलब कुंडली के अनुसार इनका आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं। शनि वक्र दृश्य राहु की ओर देख रहा है जिस कारण आपके जीवन में बहुत सारी विपदा आने वाली है। आगामी 15 दिनों में तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो पंडित जी इससे बचने का कोई उपाय? एक ही उपाय है आपकी बहू। ये जब तक आपके इर्द गिर्द रहेगी इसकी छाया आप पर पड़ती रहेगी, आपको कोई विपदा छू भी नहीं सकती। और तो और मेरी ये एक सलाह आप मानिए, बबली देवी जी आप अपनी इस बहू को खुद अपने से दूर कभी मत करना, नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये क्या कह रहे पंडित जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप दोनों के मस्तक पर तो यही लिखा हुआ है। ये कैसे संभव है? हमारी बहुरिया तो आज ही जा रही मुंबई हनुमान के लिए, वो भी 15 दिन के लिए। ये नहीं चलेगा, कोई दूसरा उपाय बताइए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है बबली देवी जी। इसकी कुंडली भी यही कहती है कि यही आपकी रक्षक है, इस मुश्किल दिनों से यही आपको बचा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, आप हड़बड़ी में चल रही थी इसलिए फिसल गई, कोई भी फिसल सकता है, इसमें कुंडलियों का क्या लेना देना? ये कहाँ कह रहे हो तुम? ये हमारी इकलौती मम्मी की जिंदगी पे सवाल खड़ा हो रहा है और तुम ज्ञान दे रहे हो। अरे लेकिन ऐसा होगा ही क्यों? आपने ये सारी बातें करके ना फालतू का तमाशा कर रही हो और कुछ नहीं। हम तमाशा कर रहे और क्या? मम्मी तभी देखो रहा है। चुप रहो तुम दोनों, किसी को कछु बोलने की कौन जरूरत नहीं है और किसी को हमारी फिक्र करने की भी कौन जरूरत नहीं है। हमरा का हम तो बुढ़ाए गए हैं, चला चली की बेला चल रही है हमरी। जिंदगी देख ली, सुख देख लिया, दुख देख लिया, बच्चों की खुशियां देख ली, सब तो देख लिया और कछु बचा है का? कछु नहीं बचा है। हर चिड़िया को एक ना एक दिन घोंसला छोड़ के उड़ ही जाना है, हम भी उड़ जाएंगे, भले 4 दिन पहले उड़ जाए कौन फर्क पड़ता है। अरे आप क्या कर रही हैं बबली देवी जी, ये 15 दिनों का मुश्किल समय बीत गया ना तो फिर तो आपकी बड़ी लंबी आयु है। नहीं नहीं पंडित जी, इसराफ है, हमका लंबी आयु नहीं चाहिए, हम एक माँ हैं और माँ को जान से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियाँ प्यारी है। ये बात से हमने ये फैसला कर लिया है कि अर्नब और पल्लवी दोनों मुंबई जाएंगे, हनीमून पे जाएंगे और आज ही जाएंगे बस। मम्मी आपका लॉजिक ना बिल्कुल गलत है। हाँ बट आई एम हैप्पी कि आपने फैसला सही लिया, कुछ नहीं होगा आपको, आई एम 100% श्योर। पल्लवी मैंने पैकिंग कर लिया, तुम भी एक बार चेक कर लो कोई सामान ना रह जाए। आपके लिए रिक्शा मंगवाऊं या खुद चले जाएंगे आप? मैं तो दक्षिणा का इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ दक्षिणा तो जरूर मिलेगी ना, ये लीजिए। अच्छा बबली देवी जी अब मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद पंडित जी। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।